नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल। दोस्तों, आपने स्मार्ट थिंग्स ऐप के बारे में सुना होगा, जो सैमसंग का ही ऐप है, स्मार्ट थिंग्स ऐप। आप जिसे गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, ये स्मार्ट थिंग्स ऐप किस तरह से काम करता है और आप किस वक्त इस ऐप का यूज़ कर सकते हो? दोस्तों, स्मार्ट थिंग्स ऐप के जरिए आप जो अपने स्मार्ट अप्लायंसेस है, जो आप घर पे यूज़ करते हो, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा इसमें जो मेन फीचर है वो है स्मार्ट थिंग्स फाइंड का। इसके जरिए आप अपने जो गैलेक्सी डिवाइसेस है, जैसे गैलेक्सी बर्ड्स, गैलेक्सी स्मार्ट वॉच और अपने जो गैलेक्सी स्मार्टफोन्स है, उन्हें आप फाइंड कर सकते हो, वो भी ऑफलाइन। मतलब आपको किसी भी यहाँ पे कनेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मुझे इस फोन को फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी वाईफाई ऑन नहीं है, ब्लूटूथ ऑन नहीं है, लोकेशन भी ऑन नहीं है और मोबाइल डेटा भी यहाँ पे ऑन नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी कनेक्शन जरूरी नहीं है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे सिम कार्ड भी इंसर्ट नहीं किया है। आप जैसे जाओगे सेटिंग्स में, कनेक्शन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिम कार्ड मैनेजर में यहाँ पे नो सिम कार्ड, नो सिम कार्ड। तो मैंने इस फोन में सिम कार्ड भी इंसर्ट नहीं किया है, फिर भी मैं इस फोन को फाइंड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे, आपको इसे ओपन करना है। तो पहली बार जब आप इसे सेटअप करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, फिर अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। और दोस्तों, जब आप सेटअप करोगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये वाला ऑप्शन, स्मार्ट थिंग्स फाइंड, जिसके जरिए आप अपने जो स्मार्ट डिवाइसेस है, गैलेक्सी डिवाइसेस, उसे फाइंड कर सकते हो। आपको इस पे क्लिक करना है, टैप हियर टू स्टार्ट, और यहाँ पे एक जो फाइल है उसे डाउनलोड करनी पड़ती है, इसलिए आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड होगी, आपको वेट करना है जब तक ये फाइल डाउनलोड नहीं होती। दोस्तों, तो हम इस वीडियो में देखने वाले कि आप अपने खोए हुए गैलेक्सी स्मार्टफोन को किस तरह फाइंड कर सकते हो इस ऐप के जरिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने जैसे बताया कि ऑफलाइन आप अपने फोन को फाइंड कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आपका जो फोन है वो स्विच ऑन होना चाहिए। तो जिस किसी फोन को भी आप ढूंढना चाहते हो, वो स्विच ऑन होना चाहिए। अगर स्विच ऑफ हो जाए तो आप इसके जरिए अपने फोन को फाइंड नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको जिस फोन को ढूंढना है और आप जिस फोन से इस फोन को ढूंढ रहे हो, दोनों फोन में सेम सैमसंग का अकाउंट होना चाहिए। अगर इस फोन में दूसरा सैमसंग का अकाउंट है और इस फोन में दूसरा सैमसंग का अकाउंट है, तो आप इस तरह से अपने फोन को नहीं फाइंड कर सकते। इसलिए आपके दोनों फोन में सैमसंग का सेम अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, तो आप देख सकते हो मेरे पास तो दो फोन है, इसलिए मेरे पास तो दोनों फोन में सेम सैमसंग का अकाउंट है। लेकिन दोस्तों, कई लोगों के पास दो सैमसंग के स्मार्टफोन तो होंगे नहीं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, एक तो आपके घर के सदस्य के पास होगा सैमसंग का फोन, उससे आप ले लीजिए, या फिर अगर आपके किसी फ्रेंड के पास होगा तो उससे आप ले लीजिए और उस फोन में आपका सैमसंग का अकाउंट लॉगिन कीजिए। और बाद में जो फोन आपको ढूंढना है, आप किसी भी फोन से उस फोन को ढूंढ सकते हो। दोस्तों, बात करेंगे अगर बर्ड्स की और स्मार्ट वॉच की, तो उसको क्या होता है, उसको लिंक करना पड़ता है फोन के साथ, तो उसे आसानी होती है ढूंढने में। लेकिन आपका फोन दूसरे फोन से लिंक होता नहीं है, तो ऐसे में इसलिए जरूरी बनता है कि दोनों फोन में एक ही सैमसंग का अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, तो अभी कैसे फाइंड करना है, तो आपको स्मार्ट थिंग्स फाइंड इस पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो फोन दिखाई देंगे, दिस डिवाइस मतलब जो मैं यूज कर रहा हूँ, और अतुल्स गैलेक्सी M31s जिसे मुझे ढूंढना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो आइकॉन है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इस डिवाइस का आइकॉन है ये कलर में है, और जो M31s का जो आइकॉन है वो ग्रे में है, मतलब ये ऑफलाइन है। तो आपको समझ जाना है कि अब ये ऑफलाइन है, मतलब कोई भी कनेक्शन ऑन नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे करोगे सर्च नियर बाय, तो यहाँ पे जो भी मतलब ये पास में होगा तो ये ढूंढ लेगा फोन, आपको दिखा रहा है डिटेक्टेड योर फोन, तो यहाँ पे आ गया है उस डिवाइस का नाम, और आप अभी इस फोन को रिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो, फिर चाहे आपका फोन वाइब्रेट हो या फिर म्यूट पे हो, जो रिंग होनी है वो मैक्सिमम वॉल्यूम पे होती है। दोस्तों, लेकिन अब मान लो इस फोन को अगर कहीं पे दूर रख दिया जाए, मान लो सही में ये फोन कहीं पे खो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फोन को दूर जगह में कहीं रख देता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये जो ग्राफ है ये हेल्पफुल होता है अपने फोन को फाइंड करने में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो फोन है इस फीचर के जरिए 30 मीटर सर्कल रेडियस में आप फाइंड कर सकते हो। अगर आप 30 मीटर के आउटसाइड हो तो आप इस फीचर का यूज नहीं कर सकते, आपका फोन डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो
रेंज है ये डिपेंड करती है कि वो जो प्लेस है कितना क्राउडी है। अगर प्लेस क्राउडेड है मतलब जो रेंज है वो कम होती जाती है 20 से 25 मीटर तक। अगर वो लोकेशन ठीक है मतलब ज़्यादा क्राउडेड नहीं है तो आप 30 मीटर मैक्सिमम रेंज में अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों अब मैं इस फ़ोन को कहीं पे रख देता हूँ दूर जगह और बताऊंगा कि आपको किस तरह से स्मार्ट थिंग्स फाइंड फीचर के जरिए आपको इस फ़ोन को ढूंढना है। दोस्तों आप यहाँ पे ग्राफ देख पा रहे हो, जो ग्रीन ग्राफ है ये जब फुल होगा इसका मतलब है कि जो आपका डिवाइस है वो आपकी नियर बाय है, काफ़ी पास में है। जैसे जैसे ये ग्राफ नीचे जाता है, ग्रीन ग्राफ जैसे कम होता है, वैसे आप अपने फ़ोन के दूर चले जाते हो। मतलब अगर ये ग्राफ पूरा हो जाता है, ग्रीन ग्राफ फुल हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका डिवाइस आपके आसपास ही है। तो अब यहाँ पे जो ग्राफ है फुल है नहीं, मतलब हम डिवाइस से दूर है। तो हम देखते हैं कि ग्राफ कब ये फुल होगा। अगर फुल होता है इसका मतलब है कि हमारा डिवाइस आसपास में कहीं पे है। तो आप देख पा रहे हो ये जो ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ जो ग्रीन ग्राफ है वो फुल होता जा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसका मतलब है कि हमारा डिवाइस सही पे कहीं पे होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रिंग का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन आप 30 मीटर दूर हो तो आप रिंग का यूज़ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ग्रीन ग्राफ है इसे फुल करना है, मतलब आपको फ़ोन के पास जाना है, आपको देखना है कि आपका जो ग्राफ है कब फुल होता है। दोस्तों ग्राफ अभी यहाँ पे फुल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि अभी जो डिवाइस है आसपास में ही है, आप देख सकते हो। अभी मैं जैसे यहाँ से दूर जाऊँगा जो ग्राफ होगा वो कम होता जाएगा, आप देख पा रहे हो अभी। जो ग्राफ है वो कम हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वापस मुझे उसी प्लेस पे जाना है, मतलब मेरा जो डिवाइस है उसी प्लेस पे रखा हुआ है। अब मैं आ चुका हूँ यहीं पे, फुल हो चुका है ग्राफ, मतलब मेरा डिवाइस आसपास में ही कहीं पड़ा हुआ है। तो अब मैं इस फीचर का यूज़ करूँगा रिंग करने का, तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ से रिंग आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन को स्मार्टथिंग्स फाइंड के जरिए ऑफलाइन ट्रैक कर सकते हो और यहाँ पे फिर आप नेविगेट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे गूगल मैप्स के जरिए यहाँ पे उसकी लोकेशन आपको पता चल जाएगी। दोस्तों अगर आपका फ़ोन ऑफलाइन है और 30 मीटर की रेंज में है तो आप स्मार्टथिंग्स फाइंड के जरिए अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हो, लोकेट कर सकते हो। दोस्तों इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑफलाइन ट्रैकिंग आप किस तरह से कर सकते हो फाइंड माई मोबाइल वेबसाइट पर जाकर। लेकिन दोस्तों कि उसमें आपको जो डेटा है, लोकेशन है, वो रियल टाइम नहीं मिलती थी, आपको वेट करना पड़ता था कि जब तक सिग्नल ना मिले तब तक। उसके लिए 30 मिनट लगते थे, कभी 40 मिनट। लेकिन इसमें आपको रियल टाइम लोकेशन मिलती है आपके फ़ोन की। 30 मिनट की रेंज में अगर आपका फ़ोन हो तो रियल टाइम आप अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हो, चाहे फिर वो कहीं पे भी हो, आप उसे रिंग कर सकते हो ताकि आप उस फ़ोन के करीब जा सको और अपने फ़ोन को आप फाइंड कर सको। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।